हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम जानेंगे कि ये कार्य कैसे करता है, इसका वर्किंग पिस्टन क्या है और इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है और इसके पार्ट्सों के नाम तथा इसकी संरचना। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सिद्धांत इसका होता है सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि एक ही कुंडली में यदि वोल्टेज दी जाती है तो उसी कुंडली में ईएमएफ इंड्यूज होता है, तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जिस पे ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर पर कार्य कर रहा है। और दूसरे जो सेल टाइप के एक ट्रांसफार्मर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, इसमें इनपुट में अलग कुंडली में सप्लाई दी जाती है और आउटपुट में इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे कि हमारा सेकेंड कुंडली में आउटपुट के रूप में वोल्टेज प्राप्त होता है। तो आज हम केवल सिर्फ सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, ये हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में समझने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये होता है कि इसमें जो सप्लाई दी जाती है, जिस वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, उसका वो लंबाई में और उसका क्षेत्रफल में बड़ा होता है। यानी कि ये जो कॉइल होती है वो बड़ी कॉइल होती है जिसमें हम सप्लाई देते हैं। जैसे हमने इनपुट एसी सप्लाई दिया है 220 वोल्ट का और हम उसी वाइंडिंग से एक टेपिंग करके निकालते हैं और उसके कम क्षेत्रफल माने कम एरिया पे एक सेकेंड टेपिंग करके निकालते हैं, जो कि हमारा आउटपुट के रूप में निकलता है और यह हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। सेम उसी प्रकार स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें सेम प्रोसेस होता है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसमें आउटपुट इनपुट के रूप में छोटी सी कुंडली में देते हैं और उसी कुंडली के लंबे में आउटपुट निकालते हैं। लेकिन हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर भी है, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम। इस ट्रांसफार्मर में इनपुट के रूप में हमने यहाँ 20 से एक टेपिंग निकाला है और इसको सप्लाई दी है इनपुट के रूप में 220 वोल्ट की, और यही से एक मूवेबल पार्ट होता है जो कि हम अभी आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में दिखाएंगे। ये कार्बन ब्रूस होता है जिससे हम इससे घिसते हैं और इसको कम बेसी इसकी बैंडिंग को कम बेसी कर सकते हैं और इस प्रकार हमारा वोल्टेज वेरी करा सकते हैं। यानी इसको वोल्टेज को कम कर सकते हैं और वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स, 220 वोल्ट की सप्लाई को हम चाहे तो 10 वोल्ट के रूप में ले सकते हैं, चाहे तो 260 वोल्ट के रूप में ले सकते हैं, यानी कम बेसी दोनों कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में और समझ लें। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। यहाँ से हम इसको इनपुट सप्लाई देते हैं। इनपुट सप्लाई के तौर पे हम एसी सप्लाई 220 वोल्ट की देते हैं और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है। यहाँ से हम आउटपुट सप्लाई, ये इंडिकेट लैंप है जो हमको सूचित करता है कि सप्लाई यानी ऑन है या ऑफ है, और ये है स्केल जहाँ से हम इस रोटरी स्विच को घुमा के देखते हैं कि हमारा किस पोजीशन पे यानी कितना वोल्टेज चाहिए। यानी यहाँ पे 0 पॉइंट दर्शाता है, यहाँ वोल्टेज नहीं जब मैं इंड्यूस कर रहा है, पैदा नहीं कर रहा है ये ट्रांसफार्मर। जैसे ही हम इसको घुमाते हैं 20 पे करते हैं तो ये 20 वोल्ट जनरेट करता है। 20, 40, 60, 80 और 100 ऐसे करके हमारा स्केल 260 वोल्ट तक है। यानी कि ये फ्रेंड्स 220 वोल्ट की सप्लाई को 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार ये 260 वोल्ट तक वेरी कर सकता है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इसका संरचना कैसे है। इसको हमने ओपन कर दिया है। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का आंतरिक संरचना है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा एक बार आप पुनः डायग्राम देख लें तो समझने में आसानी होगी। ये हमारा इनपुट सप्लाई से ही एक टेपिंग करके आउटपुट को निकाली गई है। तो हम आपको यहाँ से दिखाते हैं इसकी संरचना कैसे की गई है। यहाँ से हमारा इनपुट सप्लाई दिया गया है और यही ये हमारा इनपुट सप्लाई है। एक टर्मिनल हमारा यहाँ इस पॉइंट पे जा रहा है और एक
टर्मिनल जो इनपुट का है वो सी पॉइंट पे जा रहा है, और सी पॉइंट से आप देख सकते हैं डायरेक्ट आउटपुट को दिया गया है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में ये है सी पॉइंट को ये जा रहा है, और सी पॉइंट से ही निकल के आउटपुट को जा रहा है। अब ये हमारा सी पॉइंट से निकल के ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में गया है, जो कि सी पॉइंट से आप वाइंडिंग में जाते हुए देख सकते हैं, यहाँ से आपका वाइंडिंग में गया है, और फिर ये वाइंडिंग में होते हुए ये कार्बन ब्रश की सहायता से सेकेंड टर्मिनल निकलेगा, जो कि यहाँ पे एक कार्बन ब्रश लगा है। ये कार्बन ब्रश, ये स्प्रिंग इस कार्बन ब्रश को दबा रहा है, यानी कि प्रेशर दे रहा है। तो ये हमारा, आप फिर से एक बार डायग्राम देखें तो समझना आसान होगा। जैसे कि ये बेंडिंग हुई और बेंडिंग से कार्बन ब्रश लगा हुआ है और ये हमको आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो ये हमारा इसी बाइंडिंग में, एक ही बाइंडिंग में बाइंडिंग की गई है, और ये बाइंडिंग से कार्बन ब्रश होते हुए, ये कार्बन ब्रश, ये पिक्चर कहते हैं उसको, इससे होते हुए ये हमारा, होते हुए ये हमारा ई पॉइंट पे आया है, और ई पॉइंट से अब ये आउटपुट के रूप में निकल रहा है। अब इसकी, इसके बारे में हम और समझते हैं। ये तो हुआ, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, आप इसको एक बार सुना देख लें। ये जब हम इसको रोटरी स्विच से रोटेट करते हैं तो ये हमारा क्वाइल का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बिल्डअप करेगा। इस प्रकार यदि हम स्केल इसमें जो लगा है उससे हम देख सकते हैं कि हमारा इस पोजीशन पे है तो कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है। सामान्यतः इस पे 10 वोल्ट 20 वोल्ट करते हुए आप इसको वैरी कर सकते हैं, इसको वैरी करते हुए आप 260 वोल्ट, इससे 220 वोल्ट से 260 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। यह ऑटो ट्रांसफार्मर मोटर को चलाने के लिए वोल्टेज को, जैसे कि आपको हमने वीडियो में बताया है कि कैसे हम स्टार्टर की सहायता से मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टर के स्थान पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसका उपयोग, जैसे कि सामान्यतः घरों में बिजली कम आती है तो हम इसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, कि वोल्टेज को बढ़ा सकें। गांव में अधिकतर दिक्कत होती है बिजली की, वोल्टेज समस्या होती है, वहाँ पे पूरा वोल्टेज नहीं मिल पाता है, तो हमको ऑटो ट्रांसफार्मर लगा लेना चाहिए। इसकी कीमत मार्केट में 1200 से 1600 के लगभग है। तो और हम इसके बारे में बताते हैं, इसमें जो बाइंडिंग की गई है, इसकी बाइंडिंग जिस स्लॉट पर होती है वह छल्ले की आकृति होता है, जैसे कि स्क्वायरल केज के रोटर की आकृति की होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको कनेक्शन को क्लोज करते हैं। ये हमने एक वोल्टमीटर और एक लैम्प का कनेक्शन इसके पैरेलल में किया है। ये देखिए हमारा यहाँ से आउटपुट के रूप में एक लैम्प है और एक वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर इसलिए लगाया है फ्रेंड्स कि हम आपको दिखा सकें कि ये कार्य कर रहा है तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप कितना हो रहा है। ये 300 वोल्ट का वोल्टमीटर है और ये 100 वाट का लैम्प है। तो इसको जैसे ही हम रोटेट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये जो बेंडिंग है इससे संपर्क में आके कार्बन का जो रूड है वो संपर्क में आ रहा है, और इस प्रकार हमारा कम बेंडिंग काट रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो वोल्टेज डेवलप कर रहा है वो बहुत ही कम है, आप हल्का सा ब्राइट हो रहा है फ्रेंड्स, शायद वीडियो में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ये हल्का सा ब्राइट हो रहा है। और जैसे जैसे हम जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे ये उतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ये वोल्टेज बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हैं वोल्टमीटर के रिएक्ट स्केल पे वो भी बढ़ रहा है, और आपका जो लैंप लगा है उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ रही है, यानी कि हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए हमारा फ्रेंड्स, ये जो अब क्वाइल है जो लपेटी हुई है, इसका जो काटने का तरीका है ये यहाँ पे काट रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। यानी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल को काटेगा उतना ज़्यादा ही वोल्टेज डेवलप करेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अब वोल्टेज हमने इसको बढ़ाते हुए 200 वोल्ट पे कर दिया है। अभी हमारा 200 वोल्ट डेवलप कर, मैंने वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है।
ये हमारा सप्लाई में हम जो दिए हैं 220 वोल्ट की दिए हैं और ये 200 वोल्ट की क्या है, हम इससे आगे अभी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये लैंप 220 से ज़्यादा जाएगा तो ये फ्यूज होने की संभावना है क्योंकि इसकी रेटिंग जो होती है 220 वोल्ट की होती है। तो हम इसको फिर से पुनः थोड़ा कम करते हैं। ये देखिए हमारा ये वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम 220 वोल्ट की सप्लाई को 100 वोल्ट भी कर सकते हैं और इस प्रकार हम कम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाते हैं 260 वोल्ट कैसे डेवलप होगा और इसके लिए हमको लैंप को निकाल देना होगा नहीं तो हमारा लैंप खराब हो सकता है। तो लैंप को हम निकाल देते हैं। तो ये हमने अब वोल्ट मीटर के से देखेंगे कि हमारा वोल्टेज बिल्डअप अधिकतम कितना कर रहा है। तो हमने इसको रोटेट स्टार्ट किया, अब ये वोल्टेज बिल्डअप दिखा रहा है हमारे स्केल पे, ये 100 वोल्ट है इस टाइम, हमने 200 वोल्ट और ये हम इसको पूरा रोटेट कर देते हैं तो यहाँ पे 260 वोल्ट इसकी अधिकतम सीमा है। 260 वोल्ट ये हमारा कार्बन का जो लगा हुआ है वो लास्ट पोजीशन पे है, अब इससे ज़्यादा रोटेट नहीं हो सकता है और ये हमारा जो वोल्टेज डेवलप कर रहा है वो आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर के स्केल पे 260 वोल्ट रीडिंग दिख रही है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कम करते हैं और फ्रेंड्स अब हम इसका आखिरी टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसको फिक्स रूप से लगाने के लिए आपको किसी वोल्ट मीटर की आवश्यकता नहीं होगी, हमने केवल ये आपको समझाने के लिए कि कैसे वोल्ट मैंने वो वोल्टेज डेवलप कर रहा है इसलिए लगाया था क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर का जो स्केल है वो सेम इसके स्केल पे दर्शाया गया है 20 40 60 80 ये वोल्टेज के रूप में दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं ये 20 वोल्ट 40 वोल्ट 60 वोल्ट 80 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट पे हमारा लैंप देखिए कितना है, इतना जल रहा है, हल्का सा ब्राइट कर रहा है। अब इसको हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे हमारा स्केल में दिखा रहा है कि इस समय वोल्टेज 140 वोल्ट है और इस प्रकार हम 220 वोल्ट तक इसको चेक कर सकते हैं। 220 वोल्ट से अधिक ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से किया जा सकता है लेकिन ध्यान देंगे कि हमारा लोड उस वोल्ट पे काम करता है कि नहीं, क्योंकि ये वोल्ट ये जो लैंप है ये अधिकतम इसकी रेटिंग 220 वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट इससे ज़्यादा जलाएंगे तो ये जल जाएगा। तो हम ये टेस्ट कर चुके हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको कोई और भी वीडियो चाहिए किसी और चीज़ की जानकारी तो हमें कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में इस ऑटो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग कैसे होती है इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स तो हम अपने सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाते रहेंगे। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको अंदर से उस तरीके से अनुभव नहीं मिलेगा कि हमको क्या बताना है। हम फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन है उसको दबा देने पर फ्रेंड्स हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुँचेगी। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।